हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे रेडमी नोट प्रो को रियलमी एक्स टी से और ओप्पो A9 2020 से और बताएंगे तीनों ही फोन में से आपके लिए कौन सा आपको लेना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बात करें तीनों फोन की प्राइस की तो आपको प्राइस देखने मिल जाएगा रेडमी नोट प्रो में 14,999 का। दूसरी तरफ रियलमी एक्स टी देखने मिल जाएगा 16,999 प्राइस। तीसरी तरफ ओप्पो A9 2020 में मिल जाएगा 19,990 प्राइस। बात करें हम डिस्प्ले की, डिस्प्ले आपको देखना मिल जाएगा Redmi Note Pro में 6.53 इंच का डिस्प्ले, Realme XT में 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने मिल जाएगा। इसी तरफ Oppo A9 2020 में देखने मिल जाएगा वो 6.5 इंच का डिस्प्ले। बात करें हम स्क्रीन रेजोल्यूशन की तो आपको तीनों ही फोन में फुल एच डी प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। बात करें हम डिस्प्ले टाइप की तो आपको मिल जाएगा Redmi Note Pro में डिस्प्ले IPS LCD डिस्प्ले टाइप, Realme XT में Super AMOLED डिस्प्ले टाइप में मिल जाएगा, Oppo A9 2020 में IPS LCD डिस्प्ले टाइप में मिल जाएगा। बात करें हम प्रोटेक्शन की तो आपको मिल जाएगा Redmi Note Pro में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन, Realme XT में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन, Oppo A9 2020 में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास V3 का प्रोटेक्शन। बात करें हम सिक्योरिटी की, Redmi Note Pro में मिल जाएगा रियर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन, Realme XT में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन, Oppo A9 2020 में रियर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन। बात करें हम परफॉर्मेंस की एंड रैम की एंड स्टोरेज की तो मिल जाएगा Redmi Note Pro में MediaTek का प्रोसेसर Helio G90T, Realme XT में Qualcomm का Snapdragon 712, Oppo A9 2020 में Qualcomm का Snapdragon 665। रैम की बात करें Redmi Note Pro में देखने को मिल जाएगा आपको 6GB रैम, Realme XT में 4GB रैम, Oppo A9 2020 में 8GB रैम। बात करें स्टोरेज की, Redmi Note Pro में देखने को मिल जाएगा 64GB रैम स्टोरेज, Realme XT में 64GB स्टोरेज, Oppo A9 2020 में 128GB स्टोरेज। बात करें हम ग्राफिक्स की तो आपको मिल जाएगा Redmi Note Pro में ग्राफिक्स माली G76MP4, Realme XT में Adreno 616, Oppo A9 2020 में Adreno 610। बात करें हम कैमरा की तो आपको तीनों फोन में क्वाड रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। Redmi Note Pro में जो कि पहला कैमरा होगा 64MP का, दूसरा होगा 8MP का, तीसरा होगा 2MP का, चौथा होगा 2MP का। Realme XT में पहला कैमरा होगा 64 का, दूसरा होगा 8 का, तीसरा होगा 2MP का, चौथा होगा 2MP का। Oppo A9 2020 में पहला कैमरा होगा 48MP का, दूसरा होगा 8MP का, तीसरा होगा 2MP का, चौथा होगा 2MP का। तो कैमरे का मामले में Redmi Note Pro और Realme XT आगे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि आपको दोनों ही फोन में 64MP का ये कैमरा मिल रहा है। बात करें हम सेल्फी कैमरा की तो आपको मिल जाएगा Redmi Note Pro में सेल्फी कैमरा 20MP का, Realme XT में 16MP का, Oppo A9 2020 में 16MP का सेल्फी कैमरा। बात करें हम बैटरी की, Redmi Note Pro में मिल जाएगा बैटरी 4500 mAh बैटरी, Realme XT में 4000 mAh बैटरी, Oppo A9 2020 में 5000 mAh बैटरी। बात करें हम फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की तो मिल जाएगा Redmi Note Pro में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, Realme XT में वो V3 का सपोर्ट मिल जाएगा, Oppo A9 2020 में आपको यह मेंशन नहीं किया गया है आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं। आपको तीनों फोन में USB Type-C का पोर्ट देखने को मिल जाएगा, आपको तीनों फोन में 3.5 जैक मिल जाएगा। बात करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की तो आपको तीनों फोन में Android 9 Pie का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।